एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम दो एक ब्रांड का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक वॉच के साथ जो कि स्मार्ट वॉच है, जो कि डिजो की वॉच है। डिजो की वॉच का मैंने अनबॉक्सिंग, रीड बाउंड रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आपने अगर देखा नहीं तो आप देख सकते हो चैनल पर जाके, या मैं कार्ट में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो की, तो आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पर आज हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। रियलमी का जो बैंड है बैंड टू, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ का हो चुका है, और डिजो वॉच टू आपकी 2299 रुपीज़ में मिल जाएगी। कल से आपको सेल पे मिल जाएगी। अभी ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे दिखा रहा है 2300 रुपये में डिजो टू, और कल ऑल मेंबर्स के लिए स्टार्ट है वो सेल फ्लिपकार्ट पे, प्लस मेंबर्स के लिए एक दिन पहले स्टार्ट हुआ थी सेल। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। एंड में अपना कंक्लूजन भी दूंगा कौन सी वॉच आपको बाय करनी चाहिए, मतलब कौन सा ब्रांड या कौन सी वॉच आपको बाय करनी चाहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकपोक चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं आप सभी के लिए, लो प्राइस लिंक शेयर करते रहते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे डिजो टू में बहुत बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 1.69 इंचेस की, अप्रॉक्सीमेटली 1.7 इंचेस की एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है, बट बैंड टू में आपको जो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है वो बेटर दिया गया है। 456x280 पिक्सल्स का थोड़ा सा ऑकवर्ड सा रिजोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है बैंड टू, बट यहाँ पे जो शार्पनेस है बहुत ही बेटर है डिजो टू से एज कम्पेयर करें हम साइड बाय साइड रखें। 1.4 इंचेस की TFT एलसीडी डिस्प्ले मिलती है बैंड टू में भी, और डिजो टू में भी एलसीडी TFT पैनल मिलता है आपको। यहाँ पे IPS पैनल का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में रेस्ट टू वेक मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है दोनों में ही, और प्रोडक्शन कोई ना कोई ग्लास प्रोडक्शन आपको मिल जाता है दोनों ही एक वॉच में और एक बैंड में। यहाँ पे पर पिक्सल डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो डिजो टू की बहुत ज़्यादा है, 600 निट्स की एज कम्पेयर टू बैंड टू में 500 निट्स की ब्राइटनेस है। बट यहाँ पे ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बैंड टू की बेटर है, बैंड टू की डिस्प्ले क्वालिटी बेटर है, ब्राइटनेस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्की सी कम है डिजो टू से, बट ऐसा कुछ नहीं है एज सच ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइड बाय साइड आप रखोगे तो डेफिनेटली आपको बैंड टू ज़्यादा बेटर लगने वाला है एज कम्पेयर टू डिजो। आगे बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस, तो यहाँ पे आपको बैंड टू या डिजो टू की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉचेस मिल जाते हैं, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा सकते हो, तो ये फीचर दोनों में ही अवेलेबल आपको हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे 90 स्पोर्ट्स में मिलता है बैंड टू में, जो कि डिजो टू में सिर्फ 16 ही मिलते हैं। इंक्लूडेड स्विमिंग भी आपको मिलता है, पूल स्विमिंग का ऑप्शन मिलता है डिजो टू में, और दोनों ही 5 ATM है। बैंड टू में भी आपको पूल स्विमिंग का ऑप्शन मिलता है, बैंड टू बहुत आगे निकल जाता है यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के मामले में। और बैंड टू में कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेसी जो मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली करीब करीब 85-90% तक की, और डिजो टू में 75-70% तक की मिलेगी, क्योंकि मैं इसका एक नोटिफिकेशन इशू का वीडियो भी बना चुका हूँ, इसका एक्यूरेसी टेस्ट भी कर चुका हूँ, इसका बहुत सारी वॉचेस के साथ कंपेरिजन कर चुका हूँ। जो मेरे को रिप्लेसमेंट यूनिट मिला था उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, मतलब वो रॉन्ग मतलब रीडिंग दे रहा था, और एयर में भी कभी कभी दे रहा था, सॉफ्ट सरफेस पे भी दे रहा था। तो डिजो टू में डेफिनेटली इशू चल रहे हैं, और डिजो टू जो एप्लीकेशन के साथ आती है डिजो, उसमें भी कुछ ना कुछ इशूज चल रहे हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर हैं दोनों में ही अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर हो, जायस्कोप सेंसर हो, तो दोनों ही एक बैंड में और एक वॉच में आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता, वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं। बैंड टू में आप कॉल को मीट और इजेक्ट भी कर सकते हो, और डिजो टू में सिर्फ कॉल को कट ही कर सकते हो। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है यहाँ पे, स्मूथ है यहाँ पे, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दोनों में ही मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन जो है वो 5.0 है, तो 10 मीटर तक की रेंज आपको बन जाती है, 10 मीटर नहीं होगी, थोड़ी सी कमी होती है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 6-7 मीटर तक की हो जाती है। वैसे ही आप जैसी दूर लेके जाओगे बैंड को, मतलब अपने स्मार्टफोन से, तो डिसकनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही आप पास लेके आओगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे डिजो वॉच करती है। फाइंड माय फोन, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन मिल जाता है, और फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है डिजो टू में। एज ऑफ नाउ बैंड टू में मेरे को जो ऑफिशियल पेज पे लिखा है कैमरा शटर और म्यूजिक कंट्रोल है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन है कि नहीं वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता मैं आप सभी को। एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर हो जाएगा। यहाँ पे बैंड आपका जो बैंड टू है रियलमी का वो पेयर हो जाएगा रियलमी लिंक एप्लीकेशन से, डिजो टू के लिए पर्टिकुलरली डिजो एप्लीकेशन बनी हुई है, तो आप वो डाउनलोड करके उसे पेयर कर सकते हो डिजो वॉच को। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलने वाला है, और टिपिकल UI मिलता है डिजो टू में आपको, ड्यूअल UI मिल जाता है, एक लिस्ट वाला और एक ग्रिड वाला। यहाँ पे बात करें सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों में ही, और गेस्चर्स का यूज़ करके आप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम दोनों ही एक बैंड और एक वॉच आपको देती हैं, 2 घंटे फुल चार्ज दोनों में लेते हैं। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड बैटरी कैपेसिटी बैंड टू की 190 mAh हो सकती है, डिजो टू में 260 भी एक्जैक्ट यूज़ किया गया है। 12 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया बैंड टू में, और डिजो टू में आपका 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में ही मिल जाता है। एक्चुअल में यूजेस की बात करूँ, सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दिए, मतलब ब्लूटूथ को कट डाउन कर दिए, सिर्फ टाइम देख रहे हो और स्पीडोमीटर यूज़ कर रहे हो, मतलब स्टेप्स काउंटिंग आप कर रहे हो, तो 7 से 8 दिन चल जाएगा बैंड टू, और डिजो टू आपकी 6 दिन तक रन कर जाएगी। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखें
आप नोटिफिकेशन एक्सेस को भी ऑन कर रखा है आपने, एचआर मॉनिटर भी कर रहे हो, एसपीटूएल भी मॉनिटर कर रहे हो, स्लीप भी ट्रैक कर रहे हो और स्टेप्स भी काउंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 6 दिन तक चल जाएगा बैंड 2 और डिजिट 2 आपकी 3 से 5 दिन के बीच में इजिली बैटरी बैकअप दे देगी अकॉर्डिंग टू योर यूजेस, आपके यूजेस पैटर्न पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी में ऑलमोस्ट दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एचआर मॉनिटर आपको दोनों में मिल जाता है, यहाँ पे W5 एज लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, एसपीटूएल मॉनिटर मिल जाता है और स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन आई गेस मेरे ख्याल से इंक्लूड किया गया होगा क्योंकि रियलमी की जो वॉचेज है उसमें ऐड किया जाता है। स्लीप ट्रैकिंग दोनों में मिल जाता है और कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी मिल जाता है और गाइस यहाँ पे ब्रीद रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है दोनों ही एक बैंड में और एक वॉच में। यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी एडेड है, एडवांटेज ये मिल जाती है दोनों में। अब अगर बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बैंड 2 थोड़ा सा पीछे है डिजो 2 के, डिजो 2 बिल्ड क्वालिटी में अमेजिंग है, अभी तक जितनी वॉच मैंने अनबॉक्सिंग की है उसमें सबसे बेटर मेरे को डिजो 2 का बिल्ड लगा अंडर बजट सेगमेंट में। मैं ऑनर से कंपेयर नहीं कर रहा बट अंडर बजट सेगमेंट में 2000 के अंडर कोई भी वॉच इतना रगेड बिल्ड क्वालिटी आपको नहीं दे रही है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा हैवी भी लगती है, मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू में बताया। और बैंड 2 की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ये वेट का है 27.6 ग्राम्स का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रैप साइज़ की तो डिजो 2 में 20 mm है तो आप आफ्टर मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों में मिल जाती है और बैंड 2 में कितना स्ट्रैप mm साइज़ है वो नहीं पता मेरे को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेन बिल्ड क्वालिटी है, डेफिनेटली यहाँ पे डिजो 2 बाजी ले जाती है और एज़ कम्पेयर टू बैंड 2 थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में डिजो 2 आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, एज ऑफ नाउ अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। और डिजो 2 आपकी जो ब्लैक वाला वर्जन है वो 2299 रुपीज़ में मिल जाएगा और जो ग्रे वाला और पिंक वाला मतलब जो गोल्ड वाला एक्सेंट वाला है वो आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। बैंड 2 की बात करें तो 2500 रुपये में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, तो आप दोनों को ही चूज़ ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि बैंड 2 ज़्यादा एक्यूरेसी के मामले में बेटर है, डिस्प्ले साइज छोटा है आई नो बट यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा बेटर मिलेगी आपको, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो एक फंकी लुक है वो आपको बैंड 2 में मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड डिजो 2 की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे मैं 10/10 देना चाहूँगा बट यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन है और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी कम मिलते हैं। आईपी की रेटिंग आपको दोनों में बेटर मिल जाती है, 50 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप समर्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो बैंड 2 उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं जिनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे चाहिए, और डिजो 2 उनके लिए जो लुक्स के मामले में ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो डिजो 2 की तरफ जा सकते हैं। बैंड 2 उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो शार्पनेस जो डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा बेटर चाहते हैं, डिजो 2 उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो मतलब फॉर्मल लुक थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्लासी लुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो डिजो 2 के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल जो एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर चाहते हैं वो बैंड 2 के लिए जा सकते हैं और डिजो 2 में एक्यूरेसी आपको एवरेज मिलती है मैं तो कहता हूँ। तो आपके हिसाब से आप चूज़ ऑन कर सकते हो, मैंने कंक्लूजन दे दिया आपको। और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर लो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, 200 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उस वाले चैनल को ज्वाइन करना टेलीग्राम पे, ना कि और भी चैनल खुले हुए हैं उनको मत ज्वाइन करिएगा, 200+ जिसमें सब्सक्राइबर हैं उनको ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे। तो गाइस मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।